सो गाइस फाइनली अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे इस मेले के एंट्रेंस में खड़े हैं। गाइस आप यहाँ पे चारों तरफ वॉल्स देख सकते हो, तो एक्वेरियम टाइप की बना रखी है। और कोई बोल रहा था इसके अंदर अभी एक्वेरियम भी है, तो मैं सारी चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे दीदी लगी हुई है टिकट के लिए, तो अभी मैं अपना टिकट का भी वेट कर रहा हूँ। हमें 3 टिकट चाहिए और गाइस यहाँ पे एक टिकट का जो प्राइस है 40 रुपये पर पर्सन है। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे टिकट मिल चुके हैं। ये हमारी दीदी का टिकट है, ये मेरा और ये हमें और मेरा जो टिकट है वो जेब में रखा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम जैसा बड़ा सा गेट देख सकते हो जो यहाँ पे एंट्रेंस है। ये रही हमारी मम्मी। हेलो मम्मी, आप यहाँ मम्मी को हेलो बोल सकते हो। ओके तो अभी जा रहे हैं, तो हम भाई साहब को यहाँ पे टिकट दे देते हैं पहले, आप उनको नहीं दिखाते हैं क्योंकि भाई। ओके तो गाइस अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अंदर की साइड। हमें एंट्रेंस मिल चुका है, एंट्री मिल चुकी है। हमने यहाँ पे 40-40 रुपये खर्च किए अंदर निकले। और गाइस यहाँ पे गाइस दुकान बहुत ज़्यादा है, जो छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन से रिलेटेड, अगर किचन से रिलेटेड आपको जो भी सामान चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर गाइस ये मिट्टी के जो बने हुए हैं कप्स, चाय के कप, बहुत ही डेकोरेशन के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से गाइस लोगों का महीन काम होता है। और गाइस ये चीज़ देख सकते हो भाई, ये चीज़ तो मैंने टीवी में देखी थी, आपने भी चीज़ देखी होगी। अचार उचार रखने के लिए, दही वही जमाने, दही रान जमाने के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और गाइस थोड़ी सी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए यार यहाँ पे स्टॉल स्टॉल भी, यहाँ पे देखिए खाने पीने का सामान भी लगा हुआ। और सामने गाइस जो आप देख रहे हैं बड़ा सा स्काई चूल्हा देख रहे हो भाई, इसका नाम ही स्काई चूल्हा, तो आपको पता ऊपर से कितना खतरनाक दिखता होगा यार, काफ़ी ओपी लगता है। और यहाँ पे गाइस ये वाला झूला जो है ना, ये नया झूला है, ठीक है। ये भाई अभी बहुत ही हल्का घूम रहा है, जब इतनी तेज घूमता है ना भाई, ऐसा लगेगा कोई आपको चिपका रहा है दीवार में, इतना कि यहाँ पे फोर्स लगता है। वैसे नॉर्मली जो ये झूला है गाइस, इसमें सिंगल सिंगल सीट लगी होती है खड़े होने के लिए, पर इसमें इसको पूरा कवर किया गया है शीशे से, या शीशा है या प्लास्टिक है, क्योंकि जो अंदर देनी है मैं अंदर जाऊँगा भी, क्योंकि ठीक है डर लग जाती है। और गाइस सब लोग देख रहे हैं भाई कैसा है, हमने क्या क्या है क्या है, सारी चीज़ें बंदे लोग देख रहे हैं भाई कैसे खड़े यार। भाई मैं तो नहीं जा सकता यार, मैं आज तक किसी झूले में नहीं बैठा हूँ। भाई आप कौन कौन से झूले में बैठे हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। ओके गाइस तो अभी यहाँ पे मम्मी कुछ खरीद रही हैं, ये यहाँ पे कुछ मसाले वसाले टाइप की चीज़ें हैं, सौंफ भांग वांग ऐसी चीज़ें कुछ रखी हैं, ठीक है। अब गाइस हम यहाँ थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको यहाँ पे। ओके गाइस तो यहाँ पे डेकोरेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं दीदी, आप मंदिर के लिए यहाँ पर कुछ माला वाला लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। वैसे ये वाला हिस्सा ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सजावट बहुत बढ़िया थी, क्लीन एरिया बनाया था। और गाइस ये हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, लकड़ी के बने हुए भाई, लकड़ी के डेकोरेशन का सामान बना हुआ है। किचन के लिए भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और गाइस यहाँ पे आपको पता है, आप अपनी सिस्टर या मॉम के साथ आओगे तो यहाँ ऐसी जगह में तो आपको आना ही पड़ेगा झुमका झुमका ठुमका ठुमका लेने के लिए। और तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी, जिसमें से यही हमारी दीदी मम्मी वाला मटेरियल है यहाँ पे, जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है यू नो। ओके तो गाइस अभी हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से लेकर आओ। गाइस खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं सारी चीज़ें। गाइस ये चीज़ मुझे दीदी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो देखते हैं ये लोग लेंगे नहीं लेंगे, और ऑब्वियसली ले ही लेंगे। और देखिए ये मिर्ची भी फंसा रही थी उसमें, मिर्ची नींबू सारी चीज़ें। और गाइस यहाँ पे पेटीएम की भी सुविधा है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे खुले देने की, यहाँ पे आप सीधे स्कैन करके पैसे दे सकते हो। और गाइस ये चीज़ है देखिए, यहाँ पर हमको ये चीज़ लेनी थी, आई थिंक यहाँ पे सोफा वोफा के लिए हमको कवर लेने हैं। तो मम्मी देख रही हैं अभी, बात कर रही हैं कि कैसा है कितने का है, क्या क्या हिसाब से मिलेंगी हमको सारी चीज़ें। तो ये वाला अच्छा लग रहा है मम्मी को, वैसे मैंने वीडियो काट ली वैसे यहाँ बहुत नेगोशिएशन चल रहा है, देख लेते हैं। आई थिंक अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो जाएगा ही घर को। ओके तो गाइस हमने ये यहाँ पर पैकिंग करवा ली है जो चीज़ हमको चाहिए। और वैसे ये जो ये चीज़ था ये हमारा मैच हो रहा था हमारे सोफे से, तो इसलिए हमने ये ले लिया है। और ये वाला तो आई थिंक हमारे पास है पहले से, राइट है ना हमारे पास, हाँ ये वाला है। चलो कोई नहीं, हमारा जो था सामान पैक हो चुका है। ओके गाइस तो थोड़ी सी ख़रीदारी करने के बाद गाइस अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। गाइस ये जो चूल्हा है ये है ट्विस्ट स्विंग झूला है भाई, ये ऐसे जैसे घूमता है तो उसको ट्विस्ट बोल सकते हो या फिर आप इसको वेव स्विंग बोल सकते हो। और ये वाला जो है ना गाइस ये है पेंडुलम स्विंग है ये। गाइस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि ये जो बीच में है ना आपको पूरा मारगा 360 एंगल में आपको टोटली ट्विस्ट करता है भाई, तो जो देख के डल देख के समझे तो यार गाइस आपको कौन सा वाला झूला पसंद आया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और क्योंकि गाइस यहाँ पे तो हमें देखने में मज़ा आ रहा, बाकी इन लोग की ऐसे
बैठ गया वहाँ पे, ऐसा और मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज बात कर दो, ऐसे करके लोग कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको खाना पीना कुछ होगा तो खट्टा मीठा गर्म ठंडा जो भी आपको आपको पता, मेले में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और भाई हम मेरी दीदी तो यही देख रही हैं, इन्हीं को देखते हैं पहले, हम इसको थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं भाई इनकी हालत कैसे हो। तो भाई तो इनको देखने वाला हो नहीं भाई, क्योंकि उतरते ही फिर लोग वोमिटिंग करते हैं, मज़ा नहीं आता है फिर, अच्छा खासा मजे की एकदम तेजी हो जाती है। ठीक है, भाई कैसे बैठे होंगे यार ये लोग, खतरनाक ही है यार। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे झूले आ रखे हैं, अभी मैं सबको एक बारे में डिटेल भी नहीं बताऊंगा, पर जब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे एक दो दिन के अंदर, फिर मैं यहाँ पे वीडियो बना के अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, यहाँ पे कौन कौन सी स्टॉल लगी है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइस एक ये भी है, इसको भी पेंडुलम बोला जाता है, जैसे कि आपको पता है पेंडुलम कैसे घूमता है, यहाँ से लेफ्ट राइट फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इसको पेंडुलम स्विंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत मस्त चीज़ है, अगर आप यहाँ पर आओगे तो झूलों में तो ज़रूर बैठना है यार, मेले में आए और झूले में नहीं बैठे तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मैं खाली झूठ बोल रहा हूँ कि मतलब मैं खुद ही नहीं बैठा, ठीक है आप बोलोगे हमें यहाँ पर डिंग मार रहा खुद नहीं बैठा कभी, चलो कोई नहीं कोई बात नहीं। ये पेंडुलम वाला झूला आपने देख लिया यहाँ पर, खाली देखने में मज़ा आ रहा है भाई मुझे तो। ठीक है, और यहाँ पर गाइस ये आप देख सकते हो सॉफ्टी वॉफ्टी की सारी शॉप लगी है यहाँ पर, खाने पीने की बगल में कुछ बन रहा है, चाउमीन मोमो वोमो सब बन रहे हैं, पकौड़ी सकौड़ी सब बन रही है, बहुत से लोग आ रखे हैं और ख़रीदने वाली की चीज़ें यहाँ पे सब हैं। देखिए भाई यार झूले में आओ तो अकेले आओ, दीदी को तो लेके मत आना भाई, क्योंकि जेब में खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, और ये बुंदे सुंदे यहाँ पर भाई क्या है यार, कितने बुंदे सुंदे लेते हो भाई तुम लोग। ठीक है, तो इनको भाई ख़रीदने देते हैं अभी यहाँ पर, मुझे नहीं पता इनके बारे में कुछ भी, तो मैं यहाँ पर बस अभी चुप रहने वाला हूँ, शांति। ये देखो भाई रख लिया झोले में, गया मैटर, अब तो डाका पड़ गया भाई जीप में। तो देखिए गाइस ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं आपको ना पहले देखी होगी, पहले बहुत चलती थी, अभी चीज़ें चल नहीं रही हैं, डेकोरेशन के लिए डोर में लगा देते इनको, जब भी आवाज़ चलती थी टन 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 जैसी आवाज़ आती थी, स्टील का होता था जिसमें थोड़ी सी ग्रेट नॉइज़ करता था, अच्छा लगता था। और ये फिर से दोबारा यहाँ पर आ गए शॉप में हम। तो गाइस ये हमारा लास्ट वाला नज़ारा है, ये लास्ट वाला है जिसमें यहाँ पे पानी भर रखा है बड़े से पाइप के, उसमें बड़े से प्लास्टिक के उसमें, जिसमें आप यहाँ पे बच्चों की राइड के लिए ये चीज़ तैयार किया गया है। ठीक है, तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ, हमारी आगे ट्रिप हो चुकी है पूरी, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली हैं, अब मैं यहाँ पर बाद में आऊँगा तो आपको और भी चीज़ दिखाऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई।